तो यहाँ पर कौन कौन सी है? एवेस भी है और एवेस है, एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज है यहाँ पर? एंटरप्राइज है। सभी यहाँ पर आए हैं एवेस पे, और एवेस पास में था अपने घर के, तो वहाँ पर जाए आए हैं अपनी ये जो बड़ी सी फुल साइज एसयूवी वापस करने, जिससे हम लोगों ने 3 दिन घूमा आपने देखा होगा, और अभी आए हैं लेने के लिए एक दूसरी कार। सो आई विल डू अ सेल्फ ड्राइव, एक मैं ले रहा हूँ छोटी सी, सो विल सी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले कर लूँ, क्योंकि अभी वेगस अगर जाना है तो वहाँ पर जाके ट्रैवल करना होगा, वहाँ चलाना होगा, सो जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले मैंने ड्राइव किया है बहुत, लेकिन अभी बहुत कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिल याद है, नहीं याद है, तो लेते हैं एक कार। एविस है यहाँ पर, एंटरप्राइज है कैटी में, बट वी आर गोइंग टू एविस, ये रिटर्न करेंगे और दूसरी कार लेंगे। तो देने से पहले पूरा डीजल या पेट्रोल जो भी है वो भराना के फुल देना पड़ता है, वरना क्या है कि वहाँ जाके लोगे तो चार्ज ज़्यादा लेते हैं। सो लेट्स सी कौन सी गाड़ी मिलती है। मैं देख रहा था कोई मुझे डॉज या कन्वर्टेबल कोई मिल जाए, बट दे डोंट हैव ऑप्शंस। यहाँ पर एक टूरो करके है, बट आई डोंट नो, वो अपने खुद अपनी गाड़ियाँ लोग दे देते हैं, यहाँ पर ईजी है, बट अगेन नॉट श्योर वॉट आर द कंडीशन अप्लाइड एंड ऑल, सो लेट्स गो विद द कॉर्पोरेट वन जो भी यहाँ का मेन है। एंड ये गाड़ी बहुत मैसिव है इसका, तो ये देखिए अंदर कितना सारा सामान, पूरा एक बैग आ जाता है, मेरा ड्रोन बैग ऐसे 4-5 आ जाएंगे इसके अंदर। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, फोर्ड की, कंफर्ट सीटिंग। ओ एविस और बजट दोनों साथ साथ हैं? एविस बजट एक ही, वो एक ही कंपनी है ये। मानवी क्या गेम खेल रहा है लड़की? मजा आ रहा है गेम में? गेम में मजा आ रहा है? सी हियर, हाय, व्हाट यू वांट? हाँ क्या लड़की 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 स्माइल की, स्माइली 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 स्माइली। सो बढ़िया गेम रूम यहाँ पर, टीटी इसी के नीचे पूल है ना? आज के डिनर में है रोटी और देसी स्टाइल चिकन एंड सम अमेरिकन एस्परेगस, तो ये खाते हैं। और ये देखिए मॉडेलो का कम से कम 10-12 बॉटल खत्म हो चुका है, अमेरिकन बियर के साथ अमेरिकन एस्परेगस। पूरा फुल टूज वेकेशन मना रहे हो तुम, पूरा मजा कर रहे हैं। दिस इज सुपर फूड, ये देखो ये इंडिया में नहीं मिलता है, सुपर फूड मिलता है और पतले पतले से मिलते हैं, खाने में मजा नहीं आता, यहाँ मोटे मोटे मिलता है। मिर्ची अच्छा है, एक और किलो, और एक और किलो, और सोचो चिकन फ्रीज में नहीं गया, अचीवमेंट। लेकिन बहुत बढ़िया चिकन मिला, मस्त, मतलब तीखा है ना, मजा आ गया। पूरे एक हफ्ते में फर्स्ट अच्छा खाना मिला के लिए, एक हफ्ते में अच्छा खाना मिला नहीं अच्छा है, बहुत तीखा है, मस्त है, मजा आ गया ये चिकन और राइस। तो ट्रैश फेंकने जा रहे हैं, इसको बाहर रखते हैं, इसको ग्रीन वाला ग्रीन वाला आपके पेपर को रख के नंबर पा लिए हो आराम से।
कहाँ रख रही हो ये? यहाँ पे रख दे रही हूँ। मतलब ट्रैश कैन खोला और भर से आपके BMW में मार दिया, उसमें कुछ तो दाग पड़ा होगा, और ट्रैश कैन जो भी ट्रैश था उठा के दूसरे कैन में डाला, खोला एक डाला दूसरे में। In a quarter mile, turn right after Chipotle Mexican Grill, on the right, onto Sage Road. Hey guys, welcome back. So, today is the 23rd of May, and we are here in Houston. द गलेरिया आए हैं। इट्स अ मॉल, तो इट्स अ ह्यूज मॉल, बहुत अलग 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 शॉप्स है, अराउंड 400 प्लस शॉप्स है, ब्रांड्स है। तो यहाँ आए हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे ही घूमेंगे। जीजू ने हम लोग को छोड़ दिया, मेरे और मनीष को और मानवी को, तो लेट्स सी ह्यूस्टन के गलेरिया मॉल में क्या क्या है। क्या दे रहे हो मेरे को? जो तुम्हें चाहिए ले लो, अभी लुई विटॉन हर जगह है, लुई विटॉन है ना, क्या दे रहे हो? देख लो कहाँ चाहिए तुम्हें। शी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन शॉपिंग राइट? व्हाट आई एम, यू नॉट स्लीपिंग, यू नॉट स्लीपिंग, ही इज स्टिल अवेक। हां, इंटरेस्टेड इन शॉपिंग? मानी इंटरेस्टेड इन शॉपिंग? कौन से ब्रांड के? जिमी चू के। समझ में आ रहा कुछ कि विंडो शॉपिंग करने आई हो खाली? इंडियन है ना, तो सब कन्वर्ट कर रहे हैं, $100 into 82, इतना महंगा। इंडियन हर चीज को कन्वर्ट कर रही है। हाँ, मतलब का मिल गया $40 में, चीप एंड बेस्ट। तुम सस्ता का ढूंढोगी ना तो फिर हो गई शॉपिंग तुम्हारी, पैसा मत देखो, सामान देखो। अच्छा बोला ना, ये सब मैक्स टाइप का, इधर लास्ट डील्स कभी कभी मिलते हैं ना, हमेशा नहीं अच्छे मिलते। जीजू अब तुम हर चीज को इंडिया में कन्वर्ट करोगी तो तुम ले चुकी यहाँ पर, बहुत महंगा पड़ेगा। देसी आदमी है ना? देसी आदमी है तो फिर यहाँ पर आने की, मेसीज इज द, मतलब तुम्हें अच्छा खासा आइटम मिल जाएगा गुड प्राइस पे, बाकी जगह तो इससे महंगा मिलेगा। ऑटोमेटिक चलती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सही है। पीछे पूरा ऐसे ग्लास है। हाँ, ओह पूरा ग्लास है। अब तुम बोलोगे उसमें कि झरने के नीचे जाओगे तो कैसे? हाँ, ये तो 7-seater है।
इसका स्टीयरिंग पूरा स्पोर्टी स्टीयरिंग है, ये भी देखो ना, वो सीटर है, 1 2 3 4 5 6 सीटर है, 6 सीटर और पीछे पूरा फ्लैट है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, राइट। उसमें ऊपर का पूरा दरवाजा खुला हुआ है ना, nice. अंदर देखो, ये देखो यहाँ पूरा एम्प्टी, तुम ये देखो ना, ये दरवाजा इधर, इट्स ऑल ग्लासी, वन पेन, वन, बाहर से देखने में छोटी लगती है, चलो चलो इंडिया में आएगी तब लेना। यहाँ पे रास्ता क्रॉस करने के लिए देखिए सिग्नल में खड़े हैं, वहाँ पे हाथ दिखा रहा है, मतलब डोंट क्रॉस, तो यहाँ पे एक पुश बटन है, तो इसको प्रेस किया और वो बोल रहा है वेट वेट वेट, बोल रहा है ना वेट, हाँ वेट, इट सेज वेट, जाओ चलो, नाउ वी कैन गो। और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब आप अगर चल के जा रहे हो तो गाड़ी रोक देगी, इंडिया में क्या होता है, रुक मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। थैंकफुली आज थोड़ा वेदर ठीक है, तो वहाँ का वेदर थोड़ा सा चेन्नई टाइप का वेदर है ना, चेन्नई टाइप का, मतलब इट्स ह्यूमिड, वो अभी के लिए है, बाद में तो बहुत ठंडा पड़ता है, बर्फ भी पड़ती है, हाँ पर हाँ मतलब अभी हम लोग आज निकल के आए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स गुड। आप आगे का मैं दिखाती हूँ, एक वाटर वॉल है जहाँ पे एक मूवी गाना शूट हुआ था, कौन सा गाना था, दिलबर दिलबर, सुष्मिता सेन वाला जो गाना था दिलबर दिलबर, आप देख लेना, तो वो गाना यहाँ पे शूट हुआ था, तो वहीं पे जा रहे हैं उस लोकेशन पे। तो यही है वो द वाटर वॉल, ये द गैलेरिया मॉल के आसपास ही है, जो द विलियम्स बिल्डिंग है उसके पास है, और यहीं पे ही शूटिंग हुआ था वो दिलबर दिलबर गाना, आप रिलेट कर सकते हो, तो ये वाला है। अच्छा लग रहा है, इतना ग्रीनरी है, और ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे ये देखो ना वो गिराए हुए हैं ताकि शायद घास ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा प्लेस है, तो इतना ग्रीनरी है। वैसे ये ह्यूस्टन का डाउनटाउन एरिया है, आपने जो टॉप गोल्फ वाला वीडियो है उस पर आपने देखा होगा, वो हम लोग नाइट टाइम में हम लोग यहाँ पे रोम अराउंड कर रहे थे, ये दिन का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, आईटी कंपनीज हो, ऑयल एंड गैस के भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस डाउनटाउन में ही बसे हुए हैं, तो मेनली यहाँ पे मतलब बिजनेस वाला प्लेस है, तो हर सिटी का एक डाउनटाउन एरिया होता है जहाँ पे ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ऑफिसेस रहते हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं जीजू को, जीजू अपने ऑफिस आए थे, कुछ मीटिंग्स था, तो हम उनको यहाँ पे छोड़ के गए थे, हो गया हम लोग का गैलेरिया मॉल घूम लिया, हमने कुछ खरीदे तो नहीं, तो वाटर वॉल देखा, एंड नाउ वी हेड होम बैक। और ये वाला जो है द विलियम्स करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मॉर्गन स्टैनली का मतलब ऑफिस होगा उसके अंदर।
बैठे हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, बस गाड़ियाँ देख देख के हम खुश हो रहे हैं। नहीं, बड़ी शांति मिल रही है ना यहाँ पर, हवा भी अच्छा है, ठंडा ठंडा। वैसे बैंगलोर में हम लोग पार्क वार्क तो जाते नहीं है, विदेश में आके जा रहे हैं। पता नहीं कितने सालों बाद आए होंगे, अपने BGT का तो पार्क जाते नहीं है। चीकू ग्रुप में Your destination is on the left. क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन और रबड़ी। अच्छा है? बढ़िया है। देसी रेस्टोरेंट है ना? हाँ। साउथ इंडियन है। तो मानवी मैडम ने कर दी है पॉटी। अब ये रेंज रोवर वेलार में जगह तो बहुत है, तो हमने कहा यहीं पर सफाई करवा देते हैं। तो डिग्गी में लेटा के अब यहाँ पर चेंजिंग मैट बिछा के बढ़िया चेंज हो गए। देखो सर पे व्हील ना लगे। मैडम तुम भी रुक नहीं पाई घर तक के लिए? ओए लड़की, घर तक रुक नहीं पाई? आए क्यों घर तक रुक नहीं पाई? पोटी कर दिया भाई, पोटी कर दिया मानवी ने। अच्छे देखो बल्ले, यहाँ का ट्रैफिक में भी केवल गाड़ियाँ हैं, तो अच्छा भी लगता है। ट्रैफिक बाइक वाइक नहीं है, रिक्शा वाला नहीं है, लोग आगे पीछे से नहीं निकल रहे हैं। तो साफ सुथरा ट्रैफिक लगता है। मेरे को बाइक का भी दिख रही नहीं। पकड़ा पुलिस वाले ने, ट्रक वाले को ही पकड़ेगा, ट्रक वाले को ही पकड़ेगा। स्लोइंग डाउन द ट्रैफिक, जगह जगह खड़े रहते हैं और एकदम से लाइट जब जलाते हैं तो तुम्हें विजिबल हो जाता है, ऐसा नहीं पता चलेगा ये पुलिस वाले की गाड़ी है। BMW वाले को पकड़ा उसने, BMW वाला तो वो लेडीज है चला रही थी, उसको गड़बड़ किया होगा इसने। ये वाले ने, ये Volkswagen को पकड़ा है।